ठीक है, विकेट जो गया लास्ट में एक चीज वो बता इन। सकती है अगर बैट लगा है तो, लेकिन लग नहीं रहा कि उनका बैट लगा है गेंद से, तो यहाँ पर अभी तो ये आउट है मतलब शायद, आउट है शायद। एग्जैक्टली और अगर हो सकता है तो किस्मत बचा सकती है, अगर किस्मत का साथ हुआ तो बच सकते हैं अर्शदीप, वरना श्रीलंका के फैंस ने तो खुशियां मनानी स्टार्ट कर दी है। आउट। और जी हाँ, ये विकेट गिर गया है तो भारत और श्रीलंका के बीच जो पहला वनडे मैच था कोलंबो में वो टाई हो गया है। सुपर ओवर तो खैर नहीं होते वनडे में, लेकिन बराबरी पर रुका है। 230 बनाए थे यहाँ पर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। भारत की जब बल्लेबाजी आई तो स्टार्ट अच्छा मिला था, रोहित ने अच्छा इंटेंट दिखाया, लेकिन बाद के जो बल्लेबाज आए सारे के सारे बल्लेबाज पर आप यकीन कोलैप्स नहीं कर गए, मानोगे, पैनिक कोलैप्स कर गए, पैनिक कर गए हैं और कर गए, हाथ पांव फूल गए थे। मैं बोलते क्योंकि कि हाथ जैसे पांव ही फूल रोहित आउट हुए उसके बाद, हालांकि एक पार्टनरशिप जरूर पनपी थी जिसमें कि अय्यर और अक्षर पटेल बिल्कुल राहुल। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वो कारगर रहा था, लेकिन अक्षर के आउट होते ही टीम इंडिया के कहीं ना बिखर गए, कहीं बिखर गई। बिखर गए, होश उड़ गए थे कि टीम इंडिया के। जैसे कि उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा ने काफी अच्छा इंटेंट दिखाया था, एक शुरुआत अच्छी करी थी, अर्धशतक उन्होंने लगा दिया था, उसके बाद शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए थे, विराट कोहली जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आए, उनका भी सस्ते में निपट गए थे वो भी, उसके बाद श्रेयस अय्यर आए, श्रेयस अय्यर केएल राहुल के बीच में एक छोटी सी साझेदारी हुई, उसके बाद अक्षर पटेल और केएल राहुल के बीच में एक पार्टनरशिप पनपी, वहां से थोड़ा सा मैच ने बनने की कोशिश करी थी, टीम इंडिया थोड़ी सी जान लगा रही थी। लेकिन सोचने वाली बात ये होगी कि रोहित शर्मा इतनी अच्छी स्टार्ट दे देते हैं, उसके बावजूद भी टीम इंडिया क्यों कोलैप्स कर जाती है, क्यों हाथ पैर फूल जाते हैं, जबकि एक मैच जीता जा सकता था, एक तरफा जीता जा सकता था, जी बट फिर भी ये मैच टाई की कगार पर आ गया। मतलब वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग चीज है टीम इंडिया की तरफ से, बैटिंग में खास। बिल्कुल। और इस वक्त बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, आप बताइए आपको क्या लगता है भाई, इस मैच को अगर आप उठाकर देखेंगे दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी। एक तो ठीक है यहाँ पर श्रीलंका की बैटिंग आई, अब पथुम निशंका ने जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक उनके बैट्समैन भी चले, लेकिन लास्ट में जब आप ये देखिए कि आपने 100 101 पे 5 आउट कर दिया, आधी टीम आउट कर दी श्रीलंका की, उसके बाद फिर कम बैक हुआ श्रीलंका का, और टेल जिसने की वनिंदु हसरंगा ने और दुनित वेरा लागे, दुनित ये एक ऐसा वेरा बैट्समैन है जो हमेशा तंग करता है, बिल्कुल और ये आज भी हमेशा। तंग कर गया, उन्होंने 50+ बना दिए रन, और लास्ट में गिरते पिटते स्कोर जो है 230 पहुंच गया। क्या भारतीय गेंदबाजी अभी भी दिक्कत है पांडे, क्योंकि आप टेल को नहीं आउट कर पा रहे? देखिए बिल्कुल हमेशा से ये दिक्कत रही है कि टेल एंडर्स जो है हमें काफी ज्यादा परेशान करते हैं, पहले 2019 के बाद से हम ये बोलते थे एक तो टेल एंडर्स परेशान कर रहे हैं, साथ साथ नंबर चार की समस्या, क्या नंबर चार की समस्या थोड़ी थोड़ी सॉल्व हुई है, तो केएल एंडरसन हमें एक बार फिर से परेशान करते हुए नजर आए, और दुनित वेरा लागे जैसे कि आपने बताया, बैट से भी उन्होंने कमाल किया, गेंदबाजी में भी उन्होंने कमाल किया, दो बड़े विकेट उन्होंने चटकाए थे, एक रोहित शर्मा एक शुभमन गिल का, बैटिंग से भी उन्होंने अर्धशतक लगाया था, तो आई थिंक दुनित वेरा लागे ट्रूली डिजर्व करते हैं आज के मैच में, मतलब अच्छी 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 तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, और आगे वाले मैचेस में भी मुझे लग रहा है कि दुनित वेरा लागे काफी ज्यादा बड़े एक्सपेक्टर साबित होंगे। मैच टाई हुआ है, आप सोचिए 75 पे 0 थे एक बार टीम इंडिया की, 75 पे 0, मतलब 75 रन बनाने थे टीम इंडिया ने और एक भी विकेट नहीं गिरा था, उसके बाद 10 विकेटों से टीम इंडिया मतलब ये 10 विकेटों बोल्ड आउट हो जाती है, तो वो एक बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज है इंडिया के लिए भी, क्यों, क्योंकि आपको शुरुआत इतनी अच्छी मिल जाती है, रोहित शर्मा आपको इतनी अच्छी शुरुआत दे देते हैं, उसके बाद ठीक है शुभमन गिल नहीं चले, विराट कोहली भी रन अप और उन्होंने खेली, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर उनको नंबर चार पर भेजा गया था वो जल्दी आउट हुए, लेकिन श्रेयस अय्यर और केएल राहुल इन दोनों ने एक पार्टनरशिप बिल्ड करी, शिवम दुबे ने भी पार्टनरशिप बिल्ड करी, और आपके जो कुलदीप यादव है वो भी सस्ते में आउट हो गए, लेकिन जो अक्षर पटेल केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ये तीन खिलाड़ी मोनो मुझे लग रहा है मिडिल बिल्कुल ऑर्डर की शान थे। ठीक बात आपकी, लेकिन भाई आपने रोहित शर्मा की मेहनत पर पानी फेर दिया है, क्योंकि रोहित बिल्कुल शर्मा ने जो पारी खेली थी उस पारी का बाकी बल्लेबाजों ने वो जस्टिफाई नहीं किया, क्योंकि आपने जब अच्छा स्टार्ट मिल गया उसके बाद क्यों आउट हुए, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल रहेगा। रोहित ने 58 बना दी थी 47 बॉल में, वो उन्होंने अपना काम कर दिया था, बिल्कुल, लेकिन लास्ट के बल्लेबाजों ने क्या किया यार, ये तो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल बट रहेगा। और टाई यहाँ पर होना आज चाहिए था अय्यर को भी सोचना, क्योंकि अय्यर को फिनिश करके आना चाहिए था मैच ये, बिल्कुल। 23 बनाए 23 गेंदों में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतीय टीम की तरफ से तो यहाँ पर अक्षर पटेल ने हालांकि गेंदबाजी में बड़ा कमाल किया था, उन्होंने 2 विकेट झटके थे, तो उम्मीद ये थी कि बैटिंग में अच्छा करेंगे, लेकिन बैटिंग में वो 33 बनाए 57 गेंदों का सामना किया, एक बार ये लग रहा था कि अक्षर ही फिनिश करके आने वाले बिल्कुल हैं, बट अक्षर भी वो काम नहीं कर नहीं पाए। कर पाया, मोनो मुझे आज के मैच में लगता है कि रोहित शर्मा और शिवम दुबे इन दोनों की स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर की रही, इन दोनों ने अच्छा खेला, जैसे आपको ओडीआई में खेलना चाहिए वैसे ही खेला, और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रिंस चामिंग है, खाली नाम के प्रिंस चामिंग है, क्योंकि 35 बॉलों में अगर आप 16 रन बना रहे हो 45 की स्ट्राइक रेट से, तो आपको सीरियसली मतलब क्या ही बोले आपके लिए, दो चौके मात्र दो
चौके लगाए। विराट कोहली इन्होंने भी रन बॉल के लिए 32 पे 24 बनाए हैं। खैर इनका ये स्टाइल भी है और दोनों प्रिंस और किंग कोहली दोनों का स्टाइल एक जैसा है। वॉशिंगटन सुंदर से उम्मीद है कि भाई ये बैटिंग में कमाल करके दिखाएंगे। 4 नंबर की पोजिशन पर इनको भेजा था, बहुत क्रूशियल पोजिशन पे भेजा था जहां पे मैच ब्रेक और ब्रेक हो सकता था, वहां पर वॉशिंगटन सुंदर ने डिसअपॉइंट किया। श्रेयस अय्यर जैसे कि मोनू ने बताया मैच को फिनिश करके आना चाहिए था, जब श्रेयस अय्यर को पता है कि अभी अभी उनको टीम में मौका मिला है, गौतम गंभीर एरा में उनको टीम में मौका मिला है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर हो गए थे, उसके बाद वापसी करना, तो आपको आई थिंक अपनी छाप छोड़नी चाहिए थी। 23 में 23 बनाना हो गया फॉर्मेट में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज है, मात्र 100 की स्ट्राइक रेट से अगर आप खेल रहे हो। साथ साथ अगर शिवम दुबे की बात करें, शिवम दुबे मुझे अच्छे टच में नजर आ रहे, 24 गेंदों में उन्होंने 25 रन बनाए, स्ट्राइक रेट भी इनका 104 का रहा, यानी 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। आई थिंक श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे दोनों अगर आखिरी तक टिक जाते यू नेवर नो मैच हमारा ही था, क्योंकि 75 पे अगर 0 हो गए आप सोचिए 75 रन हमने बना लिए थे और एक भी विकेट नहीं गिरा था हमारा, वहीं से हम लोग पूरे 10 विकेट आउट हो जाते हैं, तो आई थिंक वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है। श्रेयस अय्यर को फिनिश करके आना चाहिए था, श्रेयस अय्यर ने डिसअपॉइंट किया। रोहित शर्मा ने बहुत ही ज्यादा बहुत एक उम्मीद दे दी थी कि भाई यहाँ से मैच हम लोग जीत सकते हैं, यहाँ से एक उम्मीद दे दी थी काफी ज्यादा बड़ी, क्योंकि रोहित शर्मा का इंटेंट आप सोचिए वर्ल्ड कप के बाद अपना पहला ओडीआई मैच खेल रहे थे, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद अपना पहला ओडीआई मैच खेल रहे थे, और जहां से मुझे लग रहा है मोनू ने वर्ल्ड कप में अपनी बल्लेबाजी छोड़ी थी वहीं से बल्लेबाजी रिज्यूम करी थी, कोई फर्क नजर नहीं आया। ऐसी ही इंटेंट के साथ, जबरदस्त इंटेंट के साथ इन्होंने वर्ल्ड कप भी खेला और अब सीरीज भी। बिल्कुल, और इस वक्त बहुत लोग जुड़े दोस्तों, आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट भी लिए जाएंगे, आपकी राय ली जाएगी, तो मजा आएगा ना, टू वे कम्युनिकेशन हो। मुझे आपसे ये पूछना है, ये जो मैच फंसाया है वैसे 231 बनने चाहिए थे, वो क्यों नहीं बने, इसका जिम्मेदार कौन लगता है आपको, गेंदबाज है या बल्लेबाज? क्योंकि एक समय अगर आप देखें तो 101 पे 5 करने के बाद वो टीम 230 बना लेती है, क्या गेंदबाजों की कमी रही वहां पर? नंबर वन। नंबर टू चीज ये है कि जब रोहित इतना अच्छा स्टार्ट देते हैं और इंडिया एक वक्त ऐसा लगा था कि आराम से चेज कर लेगा और गेंदें ज्यादा थी, रन कम थे, एक बार तो हाफ ऑफ स्टेज आ गया था कि 42 में आपको 22-23 रन चाहिए, लेकिन आप वो भी नहीं चेज कर पाए। क्या शिवम दुबे को उस समय एक रन बना लेना चाहिए था, एक रन से तो आपने मैच हार गया? तो यहाँ पर कई सारे लूप होल रहे, बैटिंग भी रहे हैं नो डाउट, श्रेयस अय्यर ने क्यों नहीं फिनिश करके आए, ऊपर से अगर देखें तो वहां पर रन नहीं आए हैं, ना शुभमन गिल के आए। आप ये सोचिए, शुभमन गिल वो खिलाड़ी है जिनकी जिनको जायसवाल को मौका नहीं मिला, जायसवाल की जगह शुभमन गिल को आपने ट्राई किया है और हर कोई ये कहता था जायसवाल को तो टीम में होना चाहिए, लेकिन आज शुभमन गिल आए, शुभमन गिल फेल हो गए। डेफिनेटली फेल हो गए, जब आपको पता है कि रोहित शर्मा एक तरीके से ताबड़तोड़ उड़ा करके बैटिंग कर रहे हैं, वहीं शुभमन गिल को वो क्या गया, माना उनका कि जो नेचुरल गेम है वो बहुत ज्यादा स्लो खेलते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्राइक रेट पे इतना तवज्जो नहीं देते, लेकिन बावजूद इसके अगर शुभमन गिल को पता था कि आज ज्यादा रन चाहिए, आई थिंक शुभमन गिल को थोड़ा सा सेंसिबल क्रिकेट खेलना चाहिए था, अपना विकेट फेंक कर नहीं जाना चाहिए था। आप सोचिए रन बॉल खेल रहे हैं शुभमन गिल, तो क्या ही उसको उस चीज का सेंस ही कोई नहीं है। श्रेयस अय्यर ने अपनी जान जरूर लगाई, दमखम दिखाया अपना, शिवम दुबे से आज मैं थोड़ा सा इंप्रेस जरूर हूँ, हालांकि आखिरी में उनको मैच फिनिश कर देना चाहिए था, बट शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट आज के मैच में 100 से ऊपर का था, दो ही खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट आज 100 से ऊपर का था, जो कि एक शिवम दुबे हो गए, एक रोहित शर्मा हो गए, दोनों ने अच्छा इंटेंट दिखाया, बट अगेन वही बात आती है कि शिवम दुबे को मैच फिनिश करके आना चाहिए था। श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी नो डाउट अच्छी पारी खेली, जब आपके ऊपर से विकेट गिर चुके थे, विराट कोहली आउट हो गए थे, वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 4 पर भेजा था, श्रेयस अय्यर वाली पोजिशन पर वॉशिंगटन सुंदर को भेजा था, तो आई थिंक सुंदर को भी अपना कमाल करके दिखाना चाहिए था, जब पता है सुंदर को कम मौके मिलेंगे उनको एज एन ऑलराउंडर, उनको टीम इंडिया देख रही है, फ्यूचर शायद देख सकती है उनके साथ, तो आई थिंक छोटे मौके को उनको भुनाना चाहिए था, और मतलब यार इतनी जल्दी अपना विकेट फेंक के नहीं जाना चाहिए था आई थिंक वॉशिंगटन। बट पांडे, हाउ कैन यू से दैट कि श्रेयस अय्यर ने अच्छी पारी खेली, 23 रन बनाए 23 गेंदों में, 4 चौके थे, मैं तो शिवम दुबे के लिए भी इंप्रेस नहीं हूं यार, अब कह रहे शिवम दुबे ने अच्छी पारी खेली, क्या अच्छी पारी खेली है, 24 में 25 क्या है, औरों से बेटर है इस पूरे स्क्वाड में, पूरी प्लेइंग 11 में एक रोहित शर्मा थे जिन्होंने इंटेंट अपना पॉजिटिव रखा, जो कि हमेशा करते आ रहे, जहां से वर्ल्ड कप फाइनल छोड़ा था वहीं से आज वनडे करियर वापस रीस्टार्ट किया, अच्छी पारी खेली, लेकिन उसके बाद इस प्लेइंग 11 में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की हो, सबने कॉडी की परफॉर्मेंस की है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस की है, ये टीम डिजर्व ही नहीं करती श्रीलंका के खिलाफ इस तरीके का परफॉर्मेंस करना, आपको ये मैच 40 ओवर तक फिनिश कर देना चाहिए था, बहुत ही खराब क्रिकेट, बहुत ही पुअर क्रिकेट, शर्म आनी चाहिए टीम इंडिया को। बिल्कुल देखिए, हद भी कर दी टीम इंडिया ने, एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़ी हद भी कर दी, क्योंकि वो इंटेंट उस तरीके से नजर नहीं आया, चाहे श्रेयस अय्यर की बात करें या फिर बात करें आप शिवम दुबे की। यहाँ पे कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, सागर जी कह रहे हैं कि श्रीलंका क्रिकेट मैच अपडेट, अपडेट नहीं लिख दिया कि मैच टाई हो गया, विवेक कुमार ने कहा मैच टाई हो गया, सागर कह रहे कम ऑन कहां से कम ऑन यार, क्योंकि लास्ट में आकर आप हारे हो,
और ये मैच तो जीतना चाहिए था आपको यार, जो आप सारे हो बिल्कुल 75 पे 0 नहीं गिरा था, उसके बाद आप 230 पे 10 विकेट आपके गिर जाते तो कितना ज्यादा कोलैप्स हुआ है। आज तो रोहित की मेहनत पानी फिर था, सच बताऊंगा, क्योंकि 58 जिस तरीके से बनाया गया था, स्टार्ट दिया था, भारत को ये मैच हर हाल में जीतना चाहिए था, मेरा तो अभी भी ये मानना है, क्योंकि अगर आप इंडिया की बैटिंग देखेंगे पांडे, 75 विदाउट लॉस था इंडिया, 75 में पहला विकेट गिरा है, उसके बाद 80 पे 2, 87 पे 3, फिर 130 पर 4, और वहां से लगा था कि यार मैच फंस गया, 132 पर जब पांचवा आउट हुआ अय्यर, तब टीम इंडिया के हाथों को, लेकिन फिर वो जो एक पार्टनरशिप बनती थी केएल राहुल और अक्षर पटेल में, वहां से जान में जान आई थी, हमें लगा था कि अब तो हो जाएगी बात, लेकिन फिर केएल राहुल आउट होना अक्रॉस द लाइन मारकर, उसके बाद अक्षर पटेल आउट हुए, 211 पर 8 हो गए, फिर सांसे फूल गई टीम इंडिया के, और जैसे जैसे आए पैनिक कर गया इंडिया, और अंत में शिव दुबे के पास आज मौका था, आज उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, बिल्कुल सिंगल ही तो लेना था, एक ही रन चाहिए, ऐसा नहीं था आपको चार चाहिए पांच चाहिए, गेंद भी काफी पड़ी थी, ऐसा नहीं था कि गेंद कम है, आई थिंक ये मौके होते हैं, और हमेशा का ही सीन है, आप सोचिए क्या 19 नवंबर को क्या हुआ था, वर्ल्ड कप के आखिरी दिन क्या हुआ था, रोहित शर्मा अपना काम करके चले गए थे, बढ़िया इंटेंट दिखा के चले गए थे, बट आखिरी में आके जो नीचे के बल्लेबाज थे उन्होंने रायता फैला दिया, और आज के मैच में भी यही, और हमेशा से यही हो रहा है कि रोहित शर्मा अपना काम करके जा रहे हैं, और जो नीचे के बल्लेबाज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं होते, नो डाउट गेंदबाजों ने भी आज अच्छा किया, ठीक किया, मतलब हम लोग चेस कर सकते थे, आराम से चेस कर सकते थे, अगर 75 पे 0 है हमारे और 230 पे सडनली हमारे 10 विकेट्स डाउन हो जाते हैं, मैच टाई हो जाता है, जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी, आई थिंक ये बहुत ज्यादा शर्मनाक चीज है, बहुत ज्यादा हद वाली बात है कि टीम इंडिया ये मुकाबला टाई कैसे करवा सकती है, जब आपके पास इतने ज्यादा विकेट्स बचे हुए, आपके पास ऐसे बल्लेबाज कोई मतलब तो छोटे बल्लेबाज नहीं है, सब बड़े कद के बल्लेबाज है, चाहे वाशिंगटन सुंदर की बात कर लीजिए, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे अपना नाम वो भी बना रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज है कि आप इस तरीके से मैच टाई करवा रहे। अच्छा मुझे एक बात पूछनी है भाई, अखिल भाई से पूछूंगा और पांडे आपसे पूछेंगे, पहले पांडे आपसे पूछते हैं और उसके बाद अखिल भाई के पास भी जाएंगे, क्योंकि अखिल भाई थोड़ा बिजी रहते हैं और आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन मेरा सवाल ये कि 75 विदाउट लॉस था इंडिया एक समय, ठीक है, आपने 230 बने बनाने थे, कोई ज्यादा तो नहीं बनाने थे, 350 तो नहीं बनाने थे, लेकिन आपके जो बैट्समैन आउट हुए अक्रॉस द लाइन मारकर आउट हुए और आपके 9 विकेट दोस्तों 10 में से 9 विकेट स्पिन गेंदबाजों ने चटकाए, चाहे उसमें चरित हसलंका हो उन्होंने 3 विकेट लिए, अनुदु हसरंगा उन्होंने 3 विकेट झटके, और दिनेश मेरा लगा था दिन ही था उनमें तो बैट से भी पैच किया गेंद से भी, लेकिन मेरा सवाल वही है कि क्या आप लेफ्ट आर्मर स्पिनर के सामने भी आपकी टीम क्यों फंसती, लेकिन लेफ्ट आर्मर हम हमेशा ये बोलते थे कि रोहित शर्मा की प्रॉब्लम है, बट आज समझ आया कि नहीं, पूरी टीम की प्रॉब्लम है, इनके हाथ पर एक्चुअल में फूलने लग जाते हैं, जैसे इनको कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट दे दी जाए, और इवन हम मिड इनिंग में आप ये बात भी कर रहे थे कि टू फेस पिच है, आपको पता नहीं लगेगा कि पिच किस तरीके से रिएक्ट करेगी, आज भी वही हुआ कि पता नहीं लगा, रुक क्या रहा था गेंद, बहुत ज्यादा नीचे गेंद रह रहा था, वो इनको खेलना नहीं आया, विराट कोहली ने भी आज काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करा, रन बॉल उन्होंने भी खेला है, आप विराट कोहली की बैटिंग को इस तरीके से पर्दा नहीं डाल सकते कि उनका नेचुरल गेम ही ऐसा है, काफी ज्यादा स्लो खेलते हैं, बट आई थिंक आज अगर टीम को जरूरत थी तो विराट कोहली को थोड़ा सा टिक के खेलना चाहिए था, क्योंकि हमारे विकेट बहुत जल्दी गिर रहे थे, छोटी छोटी पार्टनरशिप हो रही थी बट उसके बावजूद भी विकेट हमारे जल्दी गिर रहे थे, आई थिंक सबको आज सेंसिबली खेलना चाहिए था और जो उनकी वीकनेस है उस पर काम करना चाहिए था, रोहित शर्मा ने नो डाउट एक अच्छा इंटेंट दिखाया, अदरवाइज किसी ने भी आज उस तरीके से इम्प्रेस नहीं करा, शिवम दुबे ठीक है हीरो बनने का मौका था बट आज के मैच में फिर से जीरो बन गए, लेकिन अब आपको बताएं दोस्तों क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप खेला, जो आपका भी T20 वर्ल्ड कप 2026 का, वो भी तो इंडिया और श्रीलंका के मेजबानी में खेला जाएगा, इन्हीं कंडीशंस में खेला जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्पिन को तो आपको टैकल करना होगा पांडे, अगर आपको अच्छा खेलना है, हालांकि अभी वैसे कुछ बदला नहीं है और कुछ शायद इस टाई मैच से कुछ सिचुएशन भी नहीं बदले, क्योंकि हम मानते हैं इंडिया फेवरेट है सीरीज में, इंडिया जीत भी जाएगा, फिर हो सकता है इंडिया 2-0 से सीरीज जीत जाए, बट सवाल वही है कि आपका जो स्पिन खेलने का जो तरीका है उसमें आपको बदलाव आ रहा होगा, ये मेरा सवाल है। बिल्कुल देखिए स्पिन खेलने का तरीका, इवन जब हम देखते हैं एशियाई जो पिचेस होते हैं वहां पर स्पिन कैसा रहता है, हमको स्पिन खेलना आना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी मैदान है जितने भी पिचेस है वो बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली पिचेस आते हैं, बट उसके बावजूद अगर हम स्पिन नहीं खेल पा रहे तो आई थिंक शर्म की बात है हमारे। अब आप सोचिए इंग्लैंड वाले या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये लोग पेस को बहुत अच्छा खेलते हैं, पेसर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वहां पे कंडीशंस वैसी रहती हैं, अब हमारे यहाँ पे कंडीशंस स्पिन फ्रेंडली रहती है, उसके बावजूद अगर हम अच्छा स्पिन नहीं खेल पा रहे तो एक्चुअली में शर्म की बात है। और ये भी तब ना सोचिए श्रीलंका के पास तो दो उनके जो धाकड़ गेंदबाज हैं पेस अटैक में, उनके चाहे पथिराना हो और यहाँ पर उनके जो एक और गेंदबाज थे मैं शायद नाम भूल गया, पथिराना और कल भाई बात मधुशंका,
इनफैक्ट दर्शन मधुशंकर और पतिराना दोनों नहीं थे, उसके बावजूद भी आपकी टीम आज खासकर बैटिंग में स्ट्रगल करती नजर आई। और यहाँ पर भाई सवाल तो उठेंगे आपकी बैटिंग, खासकर मिडिल ऑर्डर में। आप ये देखिए रियान पराग नहीं थे इस टीम में, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रियान पराग अगर आज होते टीम में तो हो सकता है टीम का जीत भी जाती है मुकाबला। आपको लगता है रियान पराग की कमी टीम में खाली है? देखिए हो सकता है रियान पराग होते तो टीम इंडिया जीत जाती, क्योंकि हमने पिछले टी20 में देखा था कि रियान पराग ने 18 में कुछ 26 से 28 गेम चलाना जानते हैं, गेम चलाना जानते हैं। उनको पता था कि लास्ट मैच जो लास्ट टी20 मैच था उसमें उनको पता था कि ऊपर से विकेट गिर चुके हैं, सूर्या आउट हो गए, रिंकू आउट हो गए, आपके जायसवाल जल्दी आउट हो गए थे, उसके बावजूद उन्होंने मैच को चलाया है। आईपीएल में भी हमने देखा कि जब जायसवाल या फिर बटलर आउट हो जाया करते थे संजू के साथ एक तरफा वो पारी को लेके जाते, तो यू नेवर नो। आज अगर रियान पराग होते मिडिल ऑर्डर का हिस्सा तो यू नेवर नो, क्या पता हम लोग ये चेस कर जाते।